सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइफ साइकिल. बेटा लाइफ साइकिल क्या है? तो जैसे हमने टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में पढ़ा था, वैसे ही यहां पर भी लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है. कि मैं यहां टाइटल देता हूं लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट, लाइफ साइकिल. अब देखो बेटा, यहां मैं लिखता जाऊंगा, यहां मैं लाइफ साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं. सो नाउ इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल द टेरिडोफाइट द मेन बॉडी इज द डिप्लॉयड. ओके, द मेन बॉडी, द मेन बॉडी इज डिप्लॉयड. जैसे बेटा हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट में क्या था? द मेन बॉडी इज हैप्लॉयड. मेन फेज, मेन प्लांट बॉडी, द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इट पजेस द रूट स्टेम एंड लीव्स, एंड दिस स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पजेस रूट स्टेम एंड लीव्स. द मेन प्लांट बॉडी पजेस द रूट स्टेम एंड लीव्स. अब देखो बेटा कैसे होता है, तो यहां पर मैं एक एक चीज आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं. कि दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट. उसके ऊपर बेटा यहां लीफ हो गए ऐसे. पॉजेस द रूट, उसके रूट भी होंगे बेटा. सो दिस प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, इट इज डिप्लॉयड. बेटा मैं यहां 2N लिख रहा हूं, इट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी. एंड दिस इज नोन एज द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. Clear? And this is known as the root, this is called the stem, and this is called the leaf. Now, अब यहां याद रखना कि जैसे ब्रायोफाइट में मेन बॉडी क्या था? हैप्लॉयड था, तो इसको हमें गैमेटोफाइटिक बोला था, और वो गैमेट प्रोड्यूस करता था. यहां मेन बॉडी क्या है? मेन बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? स्पोर. बट स्पोर कहां से प्रोड्यूस होंगे? तो स्पोर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोरेंजिया. अब वो क्वेश्चन, स्पोरेंजिया कहां होंगे? तो स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफिल. अब स्पोरोफिल कहां होंगे? एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं बेटा. कि द स्पोरोफाइटिक, देखना बेटा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, प्रोड्यूस द स्पोर बाय मियोसिस, एंड दिस स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, एंड दिस स्पोरेंजिया, दिस स्पोरेंजिया बोन ऑन द स्पोरोफिल, एंड द ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल फॉर्म्ड द कोन, और इट इज नोन एज द स्ट्रोबिलस. बेटा मैंने बहुत कुछ लिख दिया, पर
यहां ध्यान से जो जो चीज मैं अभी रेड लाइन कर रहा हूं वो आप याद रखना. इट इज प्रोड्यूस बाय स्पोर, और स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे, बाय मियोसिस. स्पोर कहां प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया. अब स्पोरेंजिया कहां होगा, ऑन दी स्पोरोफिल. कहां पर होगा, स्पोरोफिल. और जो स्पोरोफिल का जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस. देखो बेटा अब यहां पर मैं आपको बहुत ही ध्यान से यहां मैं दिखा रहा हूं आपको कि सपोज दिस इज द कोन. ये क्या है बेटा, कोन है. अब ये कोन को मैं एनलार्ज कर रहा हूं, ये कोन को मैं एनलार्ज कर रहा हूं, तो ये कोन ऐसा होगा बेटा. देखो ये कोन कैसा होगा, सो कोन एज नाउ लुक्स लाइक दिस. दिस इज दी कोन, ऐसा होगा बेटा कोन. ये एक्चुअली कोन है क्या, सो द कोन इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल मतलब इट्स अ लीफ. स्पोरोफिल मतलब लीफ विच प्रोड्यूस दी स्पोर. तो उसके ऊपर मैं यहां पर लीफ दिखा दूं बेटा, ये वन देन टू के देन यहां पर दिखाऊं थ्री. ये सब क्या है बेटा, लीफ है. के दिस इज कॉल्ड दी, अब मैं यहां लेबल कर रहा हूं फिर से बेटा, दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज दी स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस हैज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज दी स्पोरो स्पोरोफिल एंड इनसाइड दी स्पोरोफिल हैज दी स्पोरेंजिया. जो मैं बेटा ब्लू कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये रहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने भी आप बना सकते हो. और दिस इज दी स्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड दी स्पोरेंजिया. अब मैं बेटा स्पोरेंजिया आपको एनलार्ज करके बता रहा हूं, स्पोरेंजिया आपको मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा. ये अब यहां क्या होगा कि सपोज दिस इज द स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल, ऐसे है स्पोरोफिल, राइट, ऐसे स्पोरोफिल है. तो स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया. सो दिस इज नोन एज द स्पोरोफिल एंड दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया एंड इनसाइड द स्पोरेंजिया इट पॉजेस द स्पोर. उसके अंदर क्या होंगे बेटा, स्पोर होंगे. क्लियर. मैं सिंपली जैसे हमने ब्रायोफाइट में बेटा पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में क्या था, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक, तो वो गैमेट प्रोड्यूस करता था. अब यहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक, तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे. बट स्पोर कहां से प्रोड्यूस होंगे, तो स्पोर इज प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया. बट स्पोरेंजिया कहां होंगे, स्पोरोफिल में. स्पोरोफिल कहां होंगे, स्ट्रोबिलस में. क्लियर. मैं यहां आपको ब्रीफ एक चार्ट बनाता हूं बेटा कि पहले होगा स्ट्रोबिलस, यहां नहीं बना रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं, पहले होगा स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस में क्या होंगे, नंबर ऑफ स्पोरोफिल. स्पोरोफिल में क्या होंगे, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोर. एंड दिस स्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय द, कैसे बनेंगे बेटा ये स्पोर, बाय मियोसिस. कैसे बनेंगे, मियोसिस से स्पोर बनेंगे. मियोसिस मीन्स काइंड ऑफ सेल डिवीजन. क्लियर बेटा, यहां तक सबको पता चला ये पॉइंट तक. नाउ दिस स्पोरेंजिया इज प्रोड्यूस द स्पोर बाय मियोसिस, उससे मियोसिस से स्पोर बनेंगे. सो नाउ यहां पर क्या होगा बेटा, मियोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस द स्पोर. दिस इज द
स्पोर. ओके, नाउ दिस स्पोर गेट जर्मिनेट. अब ये स्पोर क्या होंगे? स्पोर जर्मिनेट ऑन सॉइल एंड प्रोड्यूस दे प्रो थैलस. देखो बेटा यहां पर अभी ये याद रखना, ये चीज बहुत जरूरी है. दिस इज दी प्रोथैलस. अब मैं यहां बेटा लिख रहा हूं, नाउ दिस स्पोर जर्मिनेट ऑन सॉइल एंड प्रोड्यूस ये वर्ड याद रखना बेटा, मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटो फाइटिक प्रो थैलस. याद रखना बेटा मैंने क्या लिखा, मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस. मतलब बेटा यहां तक ये 2N था, ये भी कैसा था 2N, ये भी कैसा था 2N, अब यहां मियोसिस हुआ तो ये क्या हो गए N. तो यहां पर N हो गया, N का मतलब गैमेटोफाइटिक स्टार्ट. हैप्लोइड हो गया बेटा ये, वापस क्या हो गया, हैप्लोइड हो गया. तो वापस यहां से गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो गया. अब जब गैमेटोफाइटिक स्टार्ट होगा तो हमने ब्रायोफाइट में क्या देखा था, ब्रायोफाइट में पहले गैमेटोफाइट था और गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट बनता था, अटैच्ड था. यहां पर अटैच नहीं है, यहां क्या होगा, फ्री लिविंग होगा. अब गैमेटोफाइट बना तो गैमेटोफाइट में क्या होगा, मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो नाउ इन गैमेटोफाइट पजेस द मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रीडियम. क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. वैसे ही उसमें होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्की गोनियम. क्या बोलते हैं, आर्की गोनियम. अब ध्यान से देखना, दिस एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथरो जॉइड्स. एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, एंथ्रोजॉइड्स, और वो कैसे होंगे, कॉइल्ड एंड मल्टीपल फ्लैजेला. फ्लैजेला बहुत सारे होंगे बेटा उसके ऊपर. एंड द आर्किगोनियम प्रोड्यूस दी एग. आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, सो इट विल प्रोड्यूस दी एग. ओके, एंड नाउ दिस एंथ्रोजॉइड्स एंड एग कंबाइन टूगेदर दे गेट फर्टिलाइज. क्या होगा बेटा, फर्टिलाइज, और उसके बाद क्या बनाएंगे, 2N जाइगोट बनेगा. एंड दिस जाइगोट इज डेवलप इनटू द मेन प्लांट बॉडी, वो वापस 2N में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पर बेटा आगे क्या लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना कि नाउ दिस गैमेटोफाइटिक बॉडी पजेस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम. क्या बनेगा बेटा, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, एंड आर्किगोनियम मीन्स दो चीजें बनेगी बेटा, एक बनेगा मेल ऑर्गन होगा उसमें सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम.
अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें से क्या फॉर्म होगा, उसमें से होगा मल्टी फ्लैजेलेटेड एंड कॉइल्ड मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा एंथ्रोजॉइड्स। और यहां से क्या बनेगा, यहां से फॉर्म होगा एग। अब ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, अब दोनों का क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या बनाएंगे 2N एंड 2N इज डेवलप इनटू स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, तो वापस क्या बन जाएगा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर बेटा, यहां दो पार्ट है कि ये हैप्लॉयड है, यहां तक डिप्लॉयड था, तो मैं यहां से बेटा इसको पार्ट कर रहा हूं और यहां तक ये है डिप्लॉयड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पोरोफाइटिक एंड ये हैप्लॉयड, तो ये क्या हो गया गैमेटोफाइटिक। क्लियर, ये हो गया स्पोरोफाइटिक और ये हो गया गैमेटोफाइटिक। ठीक, क्योंकि ये सारा पार्ट कैसा है बेटा डिप्लॉयड और ये सारा पार्ट कैसा है बेटा हैप्लॉयड है। ओके, कि इसे देखो पहले टेरिडोफाइट है, तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होगा डिप्लॉयड होगा, इसलिए मेन प्लांट बॉडी कैसा है स्पोरोफाइटिक है, मेन प्लांट बॉडी कैसा है बेटा स्पोरोफाइटिक है। अब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे स्पोर, बट स्पोर कहां से प्रोड्यूस होंगे, तो स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया कहां होंगे ऑन द स्पोरोफिल, स्पोरोफिल कहां होंगे ऑन द स्ट्रोबिलस, मींस एक स्ट्रोबिलस पे बहुत सारे ग्रीन कलर के स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल मतलब लीफ विच प्रोड्यूस द स्पोर, और ये लीफ के अंदर क्या है तो स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है तो स्पोर, मींस स्ट्रोबिलस के अंदर बहुत सारे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया और बहुत सारे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर। अब जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होंगे तो वो मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक फेस बनेंगे, तो मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक क्या बनेगा प्रोथेलस, ये कैसा है बेटा ये होगा हैप्लॉयड, मींस यहां से गैमेटोफाइट स्टार्ट हो गया। अब जैसे हमने लास्ट में देखा था गैमेटोफाइट में क्या होता है सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथिडियम फीमेल आर्किगोनियम, मेल प्रोड्यूस द एंथ्रोजॉइड्स फीमेल प्रोड्यूस द एग, दोनों फर्टिलाइज होकर वापस क्या बनाएंगे डिप्लॉयड बॉडी बनेगा, वापस क्या बनेगा डिप्लॉयड बॉडी बनेगा, एंड दिस डिप्लॉयड बॉडी इज अगेन डेवलप एज अ मेन प्लांट ऑर्गेनिज्म। क्लियर बेटा, यहां तक अगर पता चल गया है तो प्लीज थंब कर दीजिए बेटा, मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं, थोड़ा पॉइंट अभी बाकी है वो हम डिस्कस करते हैं, कि ये तो मैं रहने देता हूं, अब यहां पर मैं आगे एक दो लाइन मुझे लिखना है वो मैं लिख देता हूं, कि समटाइम इन टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ द स्पोर, के एंड टेरिडोफाइट्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर, वन इज द होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मीन्स ऑल द स्पोर्स आर दे वन टाइप, देन इट इज नोन एज द होमोस्पोरस, एंड द होमोस्पोरस एग्जाम्पल इज द लाइकोपोडियम एंड द इक्विसेटम, सो ऑल स्पोर आर वन टाइप ओनली नोन एज होमोस्पोर, एंड एग्जाम्पल ऑफ द होमोस्पोर आर लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक प्लांट है जिसमें से सेम काइंड के स्पोर बनते हैं, एंड इक्वी
सेट टर्म, इसमें भी एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, बट सेकंड पार्ट इज द हेटरोस्पोरस, हेट्रो स्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस द स्पोर आर टू टाइप, स्पोर आर टू टाइप्स, दैट इज मेल स्पोर नोन एज माइक्रोस्पोर एंड फीमेल स्पोर नोन एज मेगा स्पोर, माइक्रो एंड दी मेगा स्पोर, मेल स्पोर होंगे उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, फीमेल को बोलते हैं मेगा स्पोर। एंड एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, तो मार्शेलिया इक्वी सॉरी सेनेजिनेला, ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ दी हिट्रोस्पोर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको करवा रहा हूं बेटा, ये कि मैंने यहां क्या दिखाया, सिर्फ एक ही चार्ट दिखाया, बट अगर प्लांट सेनेजिनेला का है तो सेनेजिनेला पे क्या होगा बेटा, दो कोन होंगे, एक कोन ये और एक ये दूसरा कोन, दो कोन होंगे, इसको बोलते हैं मेल कोन, इसको बोलते हैं फीमेल कोन। अब मेल कोन में से जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे, अब यहां पर बेटा मैं इसको मैं रफ करता हूं, ये पार्ट को मैं रफ करता हूं और यहां मैं आपको बताता हूं, मेल और दी फीमेल दो कोन है तो स्पोर कितने बनेंगे, दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। सो नाउ हियर द स्पोर आर टू टाइप, वन इज दी माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर, दो टाइप के स्पोर बनेंगे। अब ये दोनों स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे बेटा, दोनों क्या होंगे जर्मिनेट होंगे, और इसमें से जो प्रोथेलस बनेगा वो प्रोथेलस क्या होगा, मेल प्रोथेलस होगा, इसमें से जो बनेगा प्रोथेलस वो क्या होगा, फीमेल प्रोथेलस होगा, क्या होगा फीमेल प्रोथेलस, मेल में से जो बनेगा एंथ्री डीएम होगा, यहां जो होगा आर्की गोनियम होगा, इसमें से जो बनेगा एंथ्रोजॉइड होगा, यहां जो बनेगा दैट इज एग, वापस ये दोनों क्या होंगे फर्टिलाइज होंगे और क्या बनाएंगे बेटा, ये क्लियर प्रोथेलस, प्रोथेलस का मतलब है प्रिमिटिव गेमेटोफाइट, इट इज प्रिमिटिव गैमेटोफाइट, क्या है बेटा गैमेटोफाइट, जैसे ब्रायोफाइट में प्रोटोनेमा था प्रिमिटिव गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट प्लांट बनता था, वैसे इसमें हम प्रोथेलस बोलेंगे ना। अब देखो बेटा फ्रेनी, यस क्लियर बेटा, अब देखो बेटा, अब क्या होगा कि यहां पर मैं एक नोट करके लिख रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल फीमेल प्रोथेलस डेवलप्ड ऑन मेगा, क्या है बेटा, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा फीमेल प्रोथेलस होगा, वो सिंपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बेटा लिखता हूं कि फीमेल फीमेल गैमेटो फाइट मतलब क्या है, फीमेल प्रोथेलस इट इज रिटेन, मींस वो कहां रहेगा, दे आर प्रेजेंट ऑन द फीमेल प्लांट बॉडी, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरो फाइट, मीन्स मेल होगा वो पेरेंट पे नहीं होगा, बट फीमेल जो होगा वो कहां रहेगा,
पेरेंट के बॉडी के साथ चिपका हुआ रहेगा, पेरेंट बॉडी के साथ चिपका हुआ रहेगा। एंड एंड इंपॉर्टेंट वन मोर पॉइंट, एंड द मेल एंथ्रोजॉइड्स ट्रैवल टूवर्ड्स फीमेल एग एंड फर्टिलाइज एंड एम्ब्रियो डेवलप ऑन फीमेल प्लांट। मीन्स बेटा यहां पर क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइड्स है वो फीमेल तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो कैसा है, मोटाइल है, मल्टीफ्लैजेलेटेड है, मीन्स मोबिलिटी करता है। वो फीमेल प्लांट तक जाएगा और फीमेल एग को फर्टिलाइज करेगा, और जो फीमेल एम्ब्रियो बनेगा मीन्स उसमें से जो प्लांट डेवलप होगा वो किसके ऊपर होगा, फीमेल प्लांट के ऊपर ही डेवलप होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे एक ही लाइन में बता देता हूं। इट सो इट, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। सो इट इट क्रिएट क्रिएट अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट फॉर इवोल्यूशन। अब ये पॉइंट बेटा कैसे हम समझेंगे, दो मिनट मुझे दो, सिर्फ दो मिनट। देखो आल्गी से थोड़ा डेवलप हुआ कौन आया, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट थोड़ा डेवलप हुआ कौन हुआ, टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट किस में जाने वाला है, तो टेरिडोफाइट डेवलप होके एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, सीड होता है। सीड कहां होता है, तो हम सबको पता है कि जो फीमेल प्लांट है गाइनोशियम, गाइनोशियम के अंदर ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है उसमें से हम सीड फॉर्म करते हैं, उसमें से सीड फॉर्म होता है। मीन्स फीमेल प्लांट के अंदर ही सीड फॉर्मेशन होता है। अब ये टेरिडोफाइट जो है, ध्यान से बेटा सुनना, ये जो टेरिडोफाइट है वो आगे चल के किस में डेवलप होने वाला है, जिम्नोस्पर्म मीन्स सीड प्लांट में डेवलप होने वाला है। तो यहां ये जो पॉइंट है, सारे के सारे चीजें फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, ओके। और ये क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है सीड हैबिट बता रहा है, मीन्स आगे चल के सीड हैबिट आएगा ऐसा ये प्लांट शो कर रहा है। इसलिए हम उसको बोल रहे हैं इट इज अ गुड इवेंट फॉर इवोल्यूशन, इट इज अ गुड इवेंट फॉर इवोल्यूशन के कि क्लास ऑफ टेरिडो फाइट क्या है क्लास, तो फर्स्ट है दैट इज सिलोपसीडा, सिलोपसीडा। सेकंड है बेटा दैट इज लाइकोपसीडा, लाइकोपसीडा। थर्ड वन है दैट इज द स्फेनोपसीडा, क्या है बेटा, स्फेनोपसीडा। एंड फोर्थ है दैट इज टेरिडोपसीडा, टेरिडोपसीडा। ये चार क्लास है और उसके आपको सिर्फ एग्जाम्पल करने हैं। सिलोपसीडा में आएगा सिलोटम, एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, सिलोटम। लाइकोपसीडा में आएगा लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, एग्जाम्पल है बेटा। स्फिनोपसीडा में आएगा इक्विसेटम, इसमें क्या आएगा बेटा, इक्विसेटम। एंड टेरिडोपसीडा में आएगा टेरिडियम टेरिस, एंड लास्ट वन इज एडेंटियम, एडेंटियम। तो ये क्या है बेटा, सिर्फ क्लासेस है, जैसे हमने ब्रायोपसीडा में पढ़ा था, ब्रायोफाइट में हिपेटोकोपसीडा एंथोसिरोडोपसीडा एंड ब्रायोपसीडा, वैसे ये इसके क्लास है। बट ये क्लास को हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है,
सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, स्विनोप्सिडा एक्विसेटम एंड टेरिडोप्सिडा टेरिडियम टेरिस एंड एडेंटियम। क्लियर बेटा?